तो डॉलर का रेट इस टाइम चल रहा है 306 रुपए। आरबी टैग के ऊपर मैं आया हुआ हूँ। ऊपर चलते हैं बिलाल भाई के पास, देखते हैं क्या पीसी बना के देते हैं 1 लाख रुपए के अंदर। बिलाल भाई के पास जो मैं इस टाइम आ गया हूँ, 1 लाख रुपए की बिल्ड भाई बनवानी है मैंने। केसिंग अपनी है तो वो चलता है, वो खैर फैनटेक से मैंने अलग से लिया तो उसकी अलग से स्टोरी है। बाकी बिलाल भाई बताएंगे कि भाई क्या क्या अच्छी गेमें चलेंगी। GTA 5 भी चलेगी भाई, सबकी पसंदीदा होती है। और GPU कौन सा लगेगा, मदर बोर्ड शदर बोर्ड सब बिलाल भाई बताते हैं। तो ओवर टू बिलाल भाई। बिलाल भाई बताएं तो क्या आपने अच्छा, जैसे कि 100K का बजट था हमारा इसमें, तो इसमें मैंने आपको हम राइजन बिल्ड की तरफ गए हैं क्योंकि मेरे पास कुछ फ्यूज में पार्ट्स पड़े हुए थे जो हम लोगों ने उसमें एडजस्ट कर दिए हैं। उसका सिंपल ये है कि मैंने उसको 3500X बताया जिसकी गेमिंग परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट राइजन 3600 के इक्विवेलेंट बनती है। यूज में अच्छी ऑप्शन पड़ी थी वो कर दिया है। उसका कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इसका बायोशॉक A320M यूज कर लिया है और उसके साथ CPU कूलर हमारा सही है। 16 GB की रैम कर दिया 3200 MHz 3500X, जो राइजन जरा मेमोरी एफिशिएंट है, जरा फ्रीक्वेंसी एफिशिएंट है। तो वो हमने 16 GB की रैम मिल रही है 1 लाख रुपए के अंदर। इस दौर के अंदर 306 रुपए का डॉलर चल रहा है अभी। तो बिलाल भाई आगे जरा और कंटिन्यू करें। अच्छा, उसमें हमने आपका वो कर दिया 320 मदरबोर्ड कर दिया, 16 GB रैम कर दिया, 8 की 2 6 है, क्योंकि मेरे मदरबोर्ड में 2 स्लॉट्स हैं। उसके बाद हमने आपकी 512 GB की SSD कर दी है ताकि आपकी जितनी FPS गेम्स वगैरह जो आप ज़्यादा मेनली प्ले करते हैं अपने SSD में पहले स्टोर कर लें। उसके बाद हमने आपकी 3500 से 450 वाट का आपकी पावर कंजप्शन बनती है, उसके अकॉर्डिंगली हमने आपकी पावर सप्लाई कोट कर दी थी। इसके बाद आपका 1063 GB है, जो जितनी भी आपकी फॉर्टनाइट GTA 5 वगैरह इस तरह गेम्स है, FPS गेम्स जैसे खेलते हो वैलेंट वगैरह होगी, आपको 120-144 फ्रेम्स आराम से लो सेटिंग्स या मीडियम सेटिंग्स पे दे देगी। GTS में आपको मतलब 3 GB भी रैम उसके लिए थोड़ी सी कम है, वो मीडियम या थोड़ी मीडियम से ऊपर सेटिंग्स पे आपको 60 फ्रेम्स आराम से देते हैं बस। तो इस भाई प्राइस के अंदर यही मिलता है और मुझे इस चीज़ का पहले से आइडिया था। तो आर्बिटेक के ऊपर आया हूँ और यहाँ पे आने की वजह यह, यहाँ पे आपको हर शय मिलेगी, रेजर चाहिए जो भी चाहिए, कॉर्सियर चाहिए और 490 से लेके GPU जो आपको चाहिए यहाँ पे मिल जाता है। अगर ना भी हो ना इनके पास, ये कहीं से निकलवा के जो है वो दे देते हैं। तो आर्बिटेक जो है वो कह लो, ये जो भाई हैं पहले गेमर थे, तो बाकी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। और इनके पास ये पीछे आप लोगों को रेजर शेजर फुल जो कह लो पैसे खर्चने आपके रहना मूड अच्छा खासा, तो सब कुछ मिल जाएगा। पीछे का सीन इस तरह से है, लोग आके बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं है। खैर मैं काला इसमें हो गया हूँ। तो ये है सारा हिसाब किताब, बाकी बिल्ड के आपने जो है वो बीरोल्स वगैरह देख लेंगे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कोई इस तरह की बिल्ड शिल्ड या कोई चीज़ अनबॉक्स करते हुए। अल्लाह हाफिज़।